हाय गाइस, दिस इज साक्षी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक्ने प्रोन स्किन के लिए स्किन केयर, यानी कि अगर आपके एक्ने हो गए हैं या फिर होने वाले हैं या फिर आपके एक्ने होते हैं तो आप किस टाइप का फेस पैक अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हो या फिर आप क्या क्या कर सकते हो जिससे आपके एक्ने या तो जल्दी ठीक हो जाए या फिर ऐसे हो जाए कि आपको एक्ने हो ही ना। तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि नीम हमारे स्किन के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है, हमारी स्किन को प्योरीफाई करता है, हमारी सारी डर्ट को निकालता है और जो एक्ने होने वाले होते हैं ना उनको भी होने से रोकता है, एंटी फंगल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, इन्फेक्शन को फैलने से रोकता है। तो मैंने अपने भाई को बोला था कि मेरे को ना थोड़ी सी नीम लीव्स ला दियो, तो थोड़ी सी नहीं लाया, वो इतनी सारी लेकर आया है। हमें इतने सारे नीम की जरूरत नहीं है, हमें कुछ लीव्स चाहिए होती हैं फेस पैक बनाने के लिए, या फिर आप इसको सुखाकर इसका पाउडर बनाकर भी यूज कर सकते हो। तो मैं इसको सुखाकर इसका पाउडर बनाऊंगी। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप नीम की पत्तियां रोज चबाते हो ना, यानी कि रोज खाते हो नीम की पत्तियां, तो वो आपके ब्लड को भी प्यूरिफाई करता है और आपके एक्ने को खत्म करता है। तो आप नीम वाटर भी ले सकते हो, नीम की पत्तियों को डायरेक्टली चबा भी सकते हो पानी के साथ, या फिर जो तरीके आज मैं आने वाली हूं आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। तो आइए अब जल्दी से मूव ऑन कर लेते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, विच इज कंप्लीटली फ्री। नाउ मूव ऑन टू वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपके फेस पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं ना, तो अभी के अभी कोई भी फेस वॉश या फिर सोप यूज़ करना बंद कर दो। उसकी जगह आपको यूज़ करना है नॉर्मल आटा जो आप घर में यूज़ करते हैं, या बेसन या मुल्तानी मिट्टी। आप उसमें रोज़ वाटर मिलाकर एज अ फेस वॉश उसको यूज़ कर सकते हो। आपको इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है ताकि आप इसको एज अ फेस वॉश यूज़ कर सको। अब आप देख सकते हो कि मैंने अपने पूरे फेस पर लगा लिया है और मैं 1 से 2 मिनट तक अच्छे से अपने फेस पर इससे मसाज करूँगी ताकि जितना भी ऑयल है, डर्ट है, डस्ट है, पॉल्यूशन है, वो सारी की सारी मेरे चेहरे से निकल जाए। और उसके बाद मैं नॉर्मल पानी से अपना फेस वॉश कर लूँगी। अब नेक्स्ट हमें चाहिए नीम की पत्तियाँ। यहाँ पर मैंने फ्रेश लीव्स ली हैं नीम की, और इसमें से ना ग्रीन वाली लीव्स मैंने ली हैं जो बिल्कुल हरी हरी हैं, येलो वाली हमें नहीं लेनी है। तो हमें बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, आप 10 से 12 ले सकते हैं। ये तो मैं बहुत ज़्यादा ले आई क्योंकि मैं और भी रेमेडी बनाने वाली हूँ। अब आपको ना इसको पीस लेना है। आपको पीसने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है, बट आपको ना अच्छे से प्रेस कर करके इस तरह से इसका पेस्ट बना लेना है। ईज़िली पेस्ट बन जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। और ये सारी की सारी फ्रेश होम रेमेडी हैं, तो आपको एक ही टाइम के लिए बनाकर रखनी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टी ट्री ऑयल ताकि इसका इफ़ेक्ट डबल हो जाए। तो ये ना स्पॉट ट्रीटमेंट, एक्ने का जो स्पॉट ट्रीटमेंट होता है, हमें ये वाला तरीका सिर्फ वहीं पर अप्लाई करना है। आपको ये वहीं पर लगानी है जहाँ पर आपको एक्ने है, लगाकर छोड़ देनी है। 10 से 15 मिनट बाद आपको ये हटा देनी है। आप इसको दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं तो आपके एक्ने 1 से 2 दिन में आराम से चले जाएंगे। नेक्स्ट हमें फेस पैक बनाने के लिए चाहिए नीम लीफ का पाउडर। आप फ्रेश नीम की लीफ लेकर उसका पाउडर बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर लिया है ओरिजिन्स का क्योंकि इसमें किसी भी टाइप के केमिकल्स नहीं मिले होते हैं और ओरिजिन्स के सारे प्रोडक्ट्स प्योर एंड नेचुरल होते हैं। और जितने भी प्रोडक्ट्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नीम पाउडर लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ ऑरेंज पील पाउडर। ऑरेंज पील पाउडर भी ना आपकी स्किन को एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है, यूथफुल बनाकर रखता है और एंटी एजिंग से भी बचाता है। और लास्ट मैंने यहाँ पर लिया है सैंडलवुड पाउडर। अगर आपके पास सैंडलवुड पाउडर नहीं है तो आप मुल्तानी मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। इन सबको मिलाने के लिए, मिक्स करने के लिए, पेस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर नहीं है कोई बात नहीं, आप नॉर्मल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसका ना एक बहुत ही अच्छा सा फेस पैक बनकर रेडी हो गया है। अब हमें इसको अप्लाई करना है अपने फेस पर। लेकिन जो मैंने स्पॉट ट्रीटमेंट के लिए लीव्स निकाली थी ना, उसकी भी थोड़ी सी लीव्स मैंने इसमें मिला ली हैं क्योंकि हमने उसमें टी ट्री ऑयल मिलाया हुआ था, तो उसका इफ़ेक्ट डबल हो जाता है। अब मैं इसको अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी। और आप सभी लोगों को पता होगा कि नीम के कितने ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। स्कार्स को हील करता है, नेचुरल पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है, एक्सेसिव ऑयल को रोकता है जो हमारे पिंपल का मेन कारण होते हैं, और डीप क्लीन करता है हमारी स्किन को।
आपको ये फेस पैक वीक में 2 बार यूज़ करना है, और जो स्पॉट ट्रीटमेंट बताया है वो आपको तभी यूज़ करना है जब आपके फेस पर एक्ने हो रहे हैं जिस जिस एरिया में। अब मैं ना इसमें डबल इफेक्ट के लिए थोड़ी सी नीम लीव्स, फ्रेश नीम लीव्स भी अपने फेस पर लगा लूँगी, और इसको 20 मिनट्स तक लगाकर छोड़ दूँगी। ऑरेंज पील पाउडर और सैंडलवुड पाउडर में स्किन लाइटनिंग, वाइटनिंग और ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हमारे स्किन को जल्दी से बूढ़ा नहीं होने देती और हमारे स्किन को एक यूथफुल और ब्राइटनिंग इफेक्ट देती हैं। अब मैंने ना इसमें फ्रेश नीम लीव्स भी ऐड कर ली हैं क्योंकि इसका इफेक्ट डबल हो जाता है। 20 मिनट्स के बाद आपको अपना फेस वॉश कर लेना है और इंस्टेंटली आपको अपने फेस में डिफरेंस दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। आपको लगेगा कि आपकी स्किन एकदम क्लियर हो गई है, स्मूद हो गई है और ऑयल फ्री हो गई है। तो आप लोगों ने देख लिया ना कि आप किस तरह से नीम से अपनी स्किन में ग्लो ला सकते हो, सारे के सारे पिंपल्स को खत्म कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज्यादा एक्ने निकलते हैं तो वो धीरे धीरे कम होंगे और एक टाइम बाद खत्म हो जाएंगे। जितनी भी ये होम रेमेडी होती है या फिर देसी नुस्खे जिसको हम बोलते हैं, ये हम यूज करते हैं ना, तो ये धीरे धीरे काम करते हैं लेकिन लॉन्ग टाइम तक ये हमारी बीमारी को जड़ से खत्म कर देते हैं। तो आप लोगों को ये वाली वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और वीडियोज देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करें। एंड ऑलवेज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।